रबरत भूषण है और काम करे। मोदी भी नहीं ला रहा इतनी तो देश प्रदेश कर पिए ने, यू भी कहीं और अगर ठड़ी बात न लाग रहा है शायद मेरे ख्याल में इसका अडानिया मानी गए लाग रहा है धोखन। अरे हमारा देश का रुपया है, हमारा खून पसीना का रुपया है, अडानी अबानी का रुपया नहीं है। जो जैसे ने ये सर्वे खोल दिए, अब पुत्र एक दिन वो आएगा जैसे लंका में बना था, खाने को रोटी नहीं मिलेगी। जिस ने हमारा किसान आंदोलन भी ऊपरान उठाया और गोदी मोदी मीडिया तो भी क्या सौदा, वो तो हमारा है नहीं। आपने भी मेरा एक वो संदीप चौधरी थोड़ी बात ज्यादा उसका भी चैलेंज पूछेगा, चलो कोई बात नहीं, हम इस बात की हमारी दया मीडिया बनी रहो, हमारे ये छोटे छोटे छोरे बने रहो, हमने कोई काली नहीं है। अब हमारी बात जब काम भी नहीं होंगे फिर हमारे दो रख बेटे बात सुनने। हम ये कहना चाहेंगे 22 दिन हमारी बेटियों ने यहाँ बैठी है, जिस दिन बेटा ये मतलब वो मेडल जीत कर लाई थी उस दिन मोदी क्या कहता था, मेरी बेटियाँ मेरी बेटियाँ। आज क्या ये बेटियाँ मोदी की दुश्मन होगी, बताइए आप बेटे ने 22 दिन हो गए क्या पुकार है न्याय से, प्रदूषण ब्रजभूषण को जेल में डालो और भाई हमें न्याय दो, तो न्याय तो मांग रही है क्या। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ मोदी जी से और भाई शासन से भी प्रशासन से भी, क्या इस हिंदुस्तान के दो टाल के न्याय हैं, गरीब का और अर्थात जगह और, मतलब न्याय तो इस हिंदुस्तान का एक ही तो है भाई, वही तो गरीब के ऊपर लागू है, कानून तो एक है। आपको पता है ब्रिजभूषण जी का जो उनका बयान था इससे पहले कि अगर आरोप सिद्ध हो गया तो वो फांसी पर लटक जाएंगे, तो फिर बेटा हरकत क्या की, हम लटकता क्यों नहीं, वो तो सिद्ध हो। अरे एक चीज बताइए बेटा, आज मेरी बेटी हो ब्रिजभूषण की बेटी हो वहाँ सड़क पर बैठ कर न्यू कह देंगे मेरी बेइज्जती करिए, बताइए आप इससे आगे न्याय और इससे आगे और क्या होगा, बताओ तो हो सकता है। मैं परिजू से यह पूछना चाह रहा हूँ क्या तेरी लड़की इस जगह बोलती तेरा लिए क्या होता, जाट का आंदोलन है ठीक है, मोदी जी की भी मर्जी है भाई, ब्रजभूषण की भी मर्जी है, चाहे वो जाटा का मैंने बताओ। आप देखिए कर्नाटक से आ लिए यहाँ भाई, कनाडा से आ लिए यहाँ भाई, इसमें अमेरिका तो ये आदमी आ लिया, एक जात का बता रहा और एक स्टेट का बता रहा। ब्रिजभूषण शरण सिंह का कहना है कि वो शिलाजीत की रोटी खाते हैं कि इतना यौन शोषण करेंगे इतने लड़के के साथ। एक चीज बताइए बेटा, क्या वो अपनी बच्ची से अपनी लड़की से अपनी पोती से, ये तो उसकी पोतियाँ गान जी हैं, अपनी पोती को न्यूका जा मैं शिलाजीत की रोटी खाता हूँ, बताइए आप, मैं पूछना चाह रहा हूँ बाबा क्या वो अपनी पोती से पूछ ला क्या मैं शिलाजीत की रोटी खाता हूँ, नहीं पूछेगा। लेकिन आरोप तो यही है ना कि भाई इन तीन लोगों की वजह से ये लोग चाहते हैं कि कुश्ती में इनकी कब्जा हो, कुश्ती पर और लोग ना आ पाए, सिर्फ यही लोग काबिज रहे। देखो बेटे बात सुनो, इन हिंदुस्तान बेचना है, इनका पल्ला कुछ नहीं है, मोदी ने पहले तो हम बेवलाद आदमी दिख जाता ना, लाद तार दिया दे वादा मर नहीं जोड़ेंगे। क्या कहेंगे ताऊ, उत्तर प्रदेश के हापुड़ में जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह के समर्थन में जो प्रदर्शन किए गए हैं, प्रदर्शन किए गए हैं, पुतला फूंका गया है पुरिया का, साक्षी मलिक का, कोई बात नहीं करनी सेना वालों ने किया। सुनो बेटे, साक्षी मलिक का पुतला फूंक दिया, साक्षी मलिक तो हमारे पास में बैठी है, हाथ तो लगा के दिखाओ साक्षी मलिक का, जब जाना गया वो हाथ भी लगा दे तो ठीक है, कोई बात नहीं, पुतला तो बेटा इमा घर बैठ कर तेरा फूक दियो, होगी कि मैं नहीं जानी, नहीं बेटे बात सुनो, काम करने से होता है, जो कर हम बैठे हैं अटके, तू भी आ भाई, हम दोस्त को न्योता दे रहे भाई आ, और अपना तू
आरोप ने दूर कर सका तरह तो कर और नहीं तो बस तू सलाह कम नहीं कर दिया। ब्रिजभूषण सर जी का कहना है कि अगर वो एक आवाज देंगे तो उनके समर्थन में भी जंतर मंतर पर लाखों आदमी आ जाएंगे। सुन सुन पुत्र फिर बुला क्यों नहीं नाम कोट पर नाट लिया उसको। अरे वो तो बुलडोजर लेके आने वाला है। अरे फिर सुनो बेटे वो बुलडोजर आ जाएगा क्या बात है। बुलडोजर में दलील ढाएगा या मानसा पर फेरेगा या लाल सड़क बनाएगा। लाल लाल धरती हो जाएगी लाल लाल धरती हो जाएगी ये देख लेना। पुत्र बात सुनिए मानेंगे वो कंठे भी खाऊंगे और खोसड़े भी खाऊंगे और वो फिर बाद में मानने दीजिए। जय जवान जय किसान जय।